Thank you so much, Pastor Kamran. By far, I have not come across an encouragement soul like yourself. You are very encouraging, and you were so good to encourage people to come to your platform and share the word of God. You're such a good man. Along with you, the leaders, Brother Harun, I've just got to know him, and he's also a very encouraging soul. I feel very good. ब्रदर कामरान, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे फर्स्ट टाइम तब बात करी थी जब मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था 2017 के दिसंबर में. आई डिडंट नो यू एट ऑल. माय ब्रदर टोल्ड यू टू टॉक टू मी. यू कॉल्ड मी एंड यू स्पोक इन टंग्स. आई वाज नॉट अ बिलीवर बैक देन. आई डिड नॉट हैव द लेवल लाइक दिस. बट इट वाज इंडीड अ वेरी ब्लेस्ड मोमेंट विद यू. एंड इवन व्हेन माय ब्रदर ही वाज इन सो मच पेन और वो सिर्फ लेटा हुआ था बिस्तर पे और उसको भी लगा कि शायद कुछ हो रहा है इस कमरे में. तो उस वक्त वो हॉस्पिटल के अंदर उस कमरे के अंदर हम थे और आप मुझसे ऑन दी अदर साइड दुआ कर रहे थे टंग्स के अंदर और दुआ कर रहे थे. तो उस पाकिस्तान कराची में जो महसूसियत उस कमरे के अंदर हो चुकी थी, तो होली स्पिरिट वर्क्स एनीवेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो प्रेज द लॉर्ड. ओके, नाउ आई फील दैट द होली स्पिरिट इज ऑलरेडी लीडिंग द चर्च इन यू. And you had a very great session. This day is definitely in specific to rejoice in the name of Jesus Christ. And you know what? My topic is also, who is Jesus? So praise the Lord. Praise Jesus Christ. We welcome Jesus Christ to walk in with us in this journey today. मैं कोई अंग्रेज नहीं हूँ. मैंने जस्ट बिकॉज मेरे वर्क नेचर की वजह से मैं ज्यादा इंग्लिश में बात करूंगा बिकॉज ऑफ माई फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड माई एक्सप्रेशन इन इंग्लिश. आई वॉन्ट ब्रदर हारून टू एक्चुअली इंटरप्रेट इफ इट्स पॉसिबल फॉर हिम. हालेलुया. यस ब्रदर, आई एम विद यू. मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये भाई कह रहे हैं कि मेरे वर्क की वजह से मुझे इंग्लिश में बात करना पड़ती है, अदरवाइज मेरी इंग्लिश थोड़ी सी, मेरी उर्दू थोड़ी सी वीक है. तो ये आप सबको ग्रीट कर रहे हैं, पास्टर कामरान को और मुझे गुलाम की हुजूरी में. और इनका टॉपिक आज का है कि मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन है. हालेलुया. यस गो, हालेलुया. लेट्स गो अहेड. सो लेट्स डिस्कस फ्यू पॉइंट्स ऑन जीसस एंड आई विल टेल यू व्हाई दिस टॉपिक हैज बीन चोजन, बिकॉज़ जीसस इज द ओनली वे टू नो द फादर. मैं सिर्फ चंद पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा कि जीसस कौन है और उसी के हवाले से आज हम बात करेंगे. Because Jesus is the only way to know the Father. If you want to know God the Father, then knowing Jesus is the mandatory process. अगर आप बाप को जानना चाहते हैं तो उसके लिए बेटे को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलाम कहता है जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा. Now let's look at John 8:19. I'm going to go ahead and read in English, and then Brother Harun, you can read the Urdu part of it. John 8. Chapter 8, verse 19. हम यूहन्ना की किताब उसका चार बाब और उसकी 19 आयत पढ़ेंगे. आठवां बाब एंड 19 आयत. 8 chapter 19. यूहन्ना 8 बाब और उसकी 19 आयत. Then said to him, "Where is your father?" Jesus answered, "You know neither me nor my father. If you had known me, you would have known my father also." उन्होंने उससे कहा, तेरा बाप कहाँ है? यीशु ने जवाब दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे बाप को. अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते. आमीन. आमीन. Now, although Jesus himself is God, as he is in the Father and the Father is in him, क्योंकि खुदावंद जो यीशु मसीह है वो भी खुदा है, खुदा था और खुदा उसमें है, बाप उसमें है और वो बाप में है. But to know the Father, to reach out to the Father, we have to know Jesus and receive Him first. और बाप को जानने के लिए हमें मसीह को कबूल करना बहुत सख्त जरूरी है. Jesus said, "No one can come to me until the Father draws him." यीशु मसीह के अल्फाज हैं, वो कहते हैं कि कोई बाप के पास नहीं जा सकता जब तक मुझसे होकर ना गुजरे. It is the Father's will for us to know Jesus. ये बाप की मर्जी है कि हम यीशु को जाने. And eventually know the through Jesus Christ. और हमें यीशु के जरिए ही बाप को जानना जरूर है. आमीन. Now let's talk about Jesus Christ.
चले यीशु के बारे में बात करते हैं. Who is Jesus is a very common question. Jesus कौन है? ये एक बड़ा आम सवाल है. Christian or not a Christian, this subject is famous. चाहे आप क्रिश्चियन हैं या मसीह हैं या गैर कौम हैं, ये बड़ा एक आम सा सवाल है. Young people are talking about Jesus. Even के आजकल के जो टीनेजर हैं या यंग लोग हैं, वो भी इसके बारे में बात करते हैं. He is subject of many conversations. ये बहुत सारी कन्वर्सेशन का मजमून है. These are people who are asking, who is this Jesus? और यही वो लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि जीसस कौन है. Remember that day when Saul was persecuting people while he was on the road to Damascus? क्या आपको वो स्टोरी याद है कि जब साउल जा रहा था दमास्कस में मसीहों को परेशान करने के लिए, हरासा करने के लिए? The blinding light came on him and he fell down. और उसने एक रोशनी को अपने तरफ आते देखा और वो जमीन पर गिर गया और अंधा हो गया. And the first question he asked, "Who are you, Lord?" और उसने पहला सवाल जो किया, उसने कहा कि एफ डाउन तू कौन है? Why is Jesus in our conscious? क्यों जीसस उसके कॉन्शियस में था? Why can't we escape him? हम क्यों उसे जान नहीं सकते? Is he a hero or more than that? क्या वो एक हीरो या उससे भी ज्यादा है? Even though he only lived 33 years old. यहां तक कि वो खाली 33 साल या 33 years या 33 साल जमीन पर रहे. He never committed a sin. उन्होंने कभी गुनाह नहीं किया. He resisted all trial and all temptation. उन्होंने सारी मुसीबतों से और सारी आजमाइशों से गुजरे. Like we also do in our life in and yeah. But yeah. जैसे हम लोग गुजरते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में. But Jesus overcame them all. और यीशु उन सब के ऊपर गालिब आए. And Jesus said, "Rejoice in me, because I have overcome the world." और यीशु कहता है कि मुझ में मुतमईन रहो, सुकून में रहो, मुझ में खुशी मनाओ, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया पर गालिब आया हूँ. आमीन. आमीन. Now the Bible says he claimed pre-existence. Sorry, say again. The Bible says he claimed pre-existence. Bible बताती है कि वो पहले से ही मौजूद था. Let's look at John chapter. I'm going to go ahead and read it in English, and then Brother Harun, if you can do it in Urdu. हम दोबारा से यूहन्ना की इंजील का मुताला करेंगे. उसका कौन सा बाप है? पहला एंड पहला. Chapter number one, उसका पहला बाप. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hallelujah. इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था. This authenticates the existence of Jesus as God from the beginning. ये हवाला यीशु मसीह की मौजूदगी का, पहले से मौजूदगी का बयान करता है. And before the creation of the world. इससे पहले कि दुनिया की तखलीक हुई, यीशु मसीह मौजूद थे. Let's look at some hand actions. अपने हाथों के एक्शंस की तरफ देखें. Word and God. दुनिया और खुदा. In the beginning was the Word, and the Word was with God. इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था. And the Word was God. और खुदा ही कलाम था. The Father is in Jesus, the Jesus is in Father. बाप यीशु में था और यीशु बाप में थे. In Genesis, God spoke the Word, and the Word was created. और पदाशी किताब में खुदा ने अपने लबे मुबारक से कहा और दुनिया तखलीक हो गई. He said, "Let there be light," and it was like he said. और उसने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई. He spoke the word, and the word is living. जैसे उसने अपने मुंह से लफ्जों को अदा किया और वो पूरे होना शुरू हो गए. His word was in action. और उसके अल्फाज जो हैं, वो अपने अमली जामा में आ गए या उससे एक्शन होना शुरू हो गए. And due to that action, the world came to existence. अगर आप कुछ कहोगे तो वो आप जो कुछ भी आप कहोगे वो रियलिटी में होना शुरू हो जाएगा. The book of Genesis tells us the Spirit of God was hovering over the waters.
और कुरान का मुकद्दस कलाम पैदाइशी किताब में कहता है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुंबश करती थी. That means the word was really in action. इसका मतलब है कि खुदा के अल्फाज वाकई एक्शन में थे या अमल में थे. Now Jesus claimed to have an eternal existence because he said, यीशु ने कहा कि मैं लामादूद खुदा हूं. He said, before Abraham was, I am. उसने कहा कि इससे पहले के इब्राहिम था मैं हूं. He said, I am an eternal existence. वो कहता है कि मेरी एग्जिस्टेंस या मेरी मौजूदगी लामहदूद है. And you know he was crucified for these reasons. क्या आप जानते हैं कि वो इसी रीजन की वजह से सलीब पर कुर्बान हुआ? Because he said, I am God. क्योंकि उसने कहा था कि मैं खुदा हूं. Jesus said, I am God. यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं. But people didn't understand because they didn't believe or understand the Holy Trinity. लेकिन लोगों ने इसे कबूल ना किया, उन्होंने तस्लीस को कबूल ना किया. They didn't know Jesus is in the Father and the Father is in Jesus. वो नहीं जानते कि बाप बेटे में है और बाप और बेटा बाप में है. And so the Holy Spirit works in the Father and Son. और इसी तरह खुदा बाप में और बाप बेटे में काम करता था. They are three characters in one God. यहां पर खुदा ने अपनी शख्सियत का इजहार तीन शख्सियत में किया, खुदा बाप, बेटे और पाक रूह. Now one day Jesus asked his disciples, who do men say I am? और एक दिन का जिक्र है कि यीशु ने अपने शिष्यों से सवाल किया कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? And he said, do you say I am? फिर उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? In Matthew 16:16, let's go ahead and pull up Matthew 16:16, Matthew 16:16. मत्ती रसूल की जील उसका 16 बाप और उसकी 16 आयत देखें, वो क्या कहती है? Simon Peter answered and said, you are the Christ, the son of the living God. शमौन पत्र से जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है. Jesus told him, very well Peter. यीशु ने कहा, बहुत अच्छा बताया आपने पीटर, पत्रस. But these are not your thoughts. They came to you from my father. खुदावंद ने उससे कहा कि ये खून और गोश्त ने तुझे नहीं बताया, बल्कि मेरे खुदा बाप ने तुझे बताया. Furthermore, Jesus agreed with Peter's statement. और उसके बाद यीशु उसकी स्टेटमेंट के साथ या उसके अल्फाजों के साथ सहमत थे. And he blessed him because Jesus himself claimed to be the Son of God. और खुदा ने उसको बरकत बख्शी क्योंकि उसने कहा कि मैं वाकई जिंदा खुदा का बेटा हूं. Jesus has always existed. खुदावंद हमेशा से थे. The Bible says the word was made flesh and dwelt among us. और कलाम का कलाम कहता है कलाम मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया. Because the eternal God became flesh as a person in Jesus Christ. क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो खुदावंद थे वो यीशु मसीह की सूरत में कलमा मुजस्सम हुआ और वो यीशु मसीह की सूरत में दुनिया पर आए. And he lived like a man among us. वो हमारी तरह एक आम इंसान की तरह दुनिया में रहे. That's what the Bible teaches. और यही हमें बाइबल मुकद्दस सिखाती है. And when you come to Jesus Christ, you have to accept all of this. और जब आप खुदा के पास आते हैं तो आपको इन सब चीजों को कबूल करना पड़ता है. हालेलुया. Hallelujah. मेरे साथ मिलकर सब कहें, Jesus is God. Jesus is God. Let's talk about some authorities of Jesus. आइए यीशु मसीह की हुक्मरानी के बारे में बात करते हैं या उसकी अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं. Jesus said, all authorities have been given to me. यीशु मसीह ने कहा कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है. I know Jesus had authority to forgive sins. और मैं जानता हूं कि यीशु मसीह के पास ये कुदरत, ये ताकत थी कि वो गुनाहों को माफ कर सकते थे. And no other prophet did. और किसी और नबी या पैगंबर के पास ये सलाहियत ना थी. He said the son of man has authority to forgive sins on earth. और खुदा का कलाम कहता है कि उसने कहा कि खुदा के बेटे के पास ये इख्तियार है, इब्ने आदम के पास ये इख्तियार है कि वो जमीन पर गुनाह माफ कर सके. Also, can you imagine to forgive even with nail in his hands? क्या आप सोच सकते हैं कि उसके हाथों के ऊपर बहुत कील लगे थे और वो माफ कर रहा? I cannot imagine a thorn on my head and still forgive.
और मैं अपने सर के ऊपर खाली कांटों का ताज ही नहीं बर्दाश्त कर सकता और मेरे सर पे और मैं माफ करूं। Talking about the authority, I know he had authority over the nature. और मैं इख्तियार के बारे में बात करूं तो मैं जानता हूं कि उसके ऊपर पूरी नेचर के ऊपर उसके पास अथॉरिटी थी पूरी दुनिया के ऊपर। Let's take an example. आइए एक मिसाल से समझते हैं। Once he and his disciples were in the middle of the sea. एक दफा का जिक्र है कि उसके शागिर्द और वो समंदर के दरमियान में थे। And while Jesus was sleeping, और यीशु मसीह सो रहे थे। The disciples feared due to a great storm in the sea. और शागिर्द परेशान हो गए, डर गए, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान समंदर में आ गया था। There was thundering. और वो बड़ा शोर मचा रहा था। The boat was about to break down. और वो जो कश्ती थी वो डूबने के करीब थी। So they finally woke up Jesus in a fright. और उन्हें यीशु को उठाना पड़ा कि यीशु उठ जा। And as Jesus arised, he spoke in authority. जैसे यीशु उठे और उन्होंने एक इख्तियार के साथ बोला। He said, "Peace, be still." और यीशु ने कहा कि अमन हो जा। And immediately the winds obeyed him, the thunder stopped striking, and everything was calm. और उसी वक्त अचानक जैसे यीशु ने कहा तो तूफान ने सुना, हवा ने सुना, और वो सारा जो जितना शोर था वो माकूफ हो गया। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Let me get back to the topic. Yes, let's bring it back to the little topic about who is Jesus again. You know, let's stress on this. आइए हम वापस अपने मजमून की तरफ चलते हैं कि यीशु मसीह कौन है। In John 5:37, John chapter 5 verse 37. योहन्ना 5 बाब और उसकी 37 आयत क्या कहती है इसको जानने की कोशिश करते हैं। And the Father himself who sent me has testified of me. You have neither heard his voice at any time nor seen his form. लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। No one has heard the Father but only Jesus the Son of God. किसी ने बाप को नहीं सुना मां सिवाय यीशु मसीह के। Which means Jesus is the one who spoke to all the prophets and all the disciples and everyone that he talks to. इसका मतलब है कि यीशु मसीह ही सबसे बात करते थे बाप के बिहाफ पे। Let's look at Timothy chapter verse 5. First Timothy or second Timothy? First Timothy, yeah. Sorry. Chapter 2, verse 5. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. और पहला तिमोथियस उसका 2:5 आयत कहती है कि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी यानी यीशु मसीह जो इंसान है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। Hence it is proved whatever we read on top, everything has been proved, and even now we're talking about Jesus being the mediator. जो कुछ अभी तक हमने बात की यीशु के हवाले से ये वर्स उसको पूरा प्रूव करती है या उसके बारे में आपको पूरा सबूत देती है कि यीशु दरमियानी था बाप और बेटे के दरमियान। Yes. For there is one God and there is one mediator between God and men. The man is Christ Jesus. बाप और बेटे के दरमियान एक डॉट है और वो है यीशु मसीह दरमियानी। That's why I said earlier to know the Father, we have to know Jesus. इसी वजह से मैंने शुरू में कहा कि जो बाप को जानना चाहता है उसे यीशु को जानना जरूर है। Because he is the door to heaven and the Father is heaven. और क्योंकि वो दरवाजा है उसी से गुजर के आप बाप के पास जा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। Now this gets more interesting. और ये और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। Jesus said, "Believe in Father and me." यीशु ने कहा के मेरे बाप पर ईमान लाओ और मुझ पर भी। Let's read John 14:11. आइए हम यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 और उसकी 11 आयत का मुतालिया करते हैं। Yes, brother, you can go ahead. Okay.
believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of work themselves. मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो. आमीन. आमीन. Praise the Lord. Praise the Lord. Earlier we were talking that Father is in Jesus and Jesus is in the Father. पहले हम बात कर रहे थे कि बाप यीशु में है और यीशु बाप में है. And this very verse tells us that Jesus wants us to believe this. और ये जो हमने अभी आपके सामने हवाला पढ़ा, ये इस बात का सबूत है. और यीशु चाहते थे कि आप मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं. In, let's look at our personal life. आइए अपनी शख्सी जिंदगी का मुताला कीजिए. When you want to convince somebody on our words, we stress on to believe me. अगर आप किसी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि मेरा यकीन करो, तो If I had to convince somebody to believe on my story, I would say, believe me, please. अगर मैं किसी को अपनी कोई स्टोरी या अपनी कोई बात बताऊं और मैं चाहूं कि वो मेरा यकीन करे, तो मैं उसको कहता हूं कि खुदा के लिए मेरा यकीन करो. मैं उसको फोर्स करता हूं. And here Jesus says, believe me. और यहां पे यीशु भी यही बात करता है कि मेरा यकीन करो. And apart from this, believe me for the sake of the things that I do for you. यीशु कहता था कि इन बातों ही से मेरा यकीन करो, जो मैं मेरे कामों से मेरा यकीन करो. In our personal life, we believe in miracles. हमारी हर रोजमर्रा की जिंदगी में हम हमेशा मौजज़ात पे यकीन रखते हैं. And this is why we believe in Jesus Christ. इसी वजह से शायद हम मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं. Whatever we ask in the name of Jesus Christ, we are accomplished to have that. जो कुछ भी हम यीशु के नाम पर मांगते हैं, वो हमें मिल जाता है. आमीन. आमीन. Now I want to stress on John 3:16. मैं आपको एक और आयत के बारे में बताना चाहता हूँ. John 3:16. यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत. For God so loved the world that he gave his only begotten son, so whoever may believe in him shall not perish but have eternal life. क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. आमीन. आमीन. Just stay connected and focus with me because everything is interlinked with each other. मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे साथ इस बात की तरफ गौर से देखें, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है. We are talking about belief, right? हम ईमान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? And Jesus talks to Master Nicodemus and tells him that God loved the world so much that he gave his only begotten son. So whoever will believe him will not perish but have eternal life. यीशु मसीह निकोदिमस से बात कर रहे थे. ग्रेट निकोदिमस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यीशु मसीह दुनिया में आए और उन्होंने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. What is perish? मरना क्या है? The perish death is not the death that we're going to have in this life. ये उस मौत की बात नहीं हो रही जो इस दुनिया में रहते हुए हमें आती है. It's the death after death. ये मौत के बाद एक मौत का अमल है. It's either eternal death or it's either eternal life. या ये हमेशा की जिंदगी हो सकती है या हमेशा की मौत. Bible says we break the fellowship because of our sins. कुरान का मुकद्दस कलाम कहता है गुनाह की वजह से हमारा रिश्ता मसीह से मुनक़ित हो गया. There is only one way of remission or restoration. सिर्फ एक ही रास्ता है अपने गुनाहों से खलासी का, निजात का. That is to believe in Jesus Christ. वो है यीशु मसीह पर ईमान लाना. I know that we all have heard of Jesus Christ from the very beginning because we are Christians. मैं जानता हूं कि हम शुरू से ही मसीह के बारे में सुनते आ रहे हैं जब से हम मसीही हैं. I want you all to remember the greatest commandment from now on and never ever forget it and apply it anytime when you have to believe it. मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस बात के ऊपर गौर करें जो आपको हमेशा की जिंदगी दिला सकती है. The greatest commandment is love your God with all your heart, with all your mind and with all your soul.
और ये हुक्म है कि अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत से खुदावंद से मोहब्बत रख. Let's do some actions. All of you, the church, please do actions like I do. आइए मेरे साथ कुछ एक्शन करते हैं, कुछ अमली काम करते हैं. मेरे साथ मिलकर कीजिए प्लीज. Love your God with all your heart. अपने खुदा को अपने पूरे दिल से मोहब्बत रखें. With all your mind and understanding. अपने पूरे सोचों से, ख्यालों से. And all your soul. और अपनी पूरी जान से. आमीन. आमीन. Jesus spoke to Master Nicodemus and he stressed on to believe in the one who has been sent. यीशु ने निकोदिमस से बात की और कहा कि जिसने मुझे भेजा है उस पर यकीन करो. And whoever will believe in the Son of God will have eternal life, but he will not perish. जो भी यीशु पर यकीन करेगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा. With all your heart, with all your mind, and with all your soul. अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत से. When it comes to mind and it is understanding that we have to understand and believe all things and we have to accept all of the things. जब ये फहम और अकल के बारे में आता है तो हमें तकरीबन हर एक बात के बारे में इसके ऊपर यकीन करना है. Amen. Amen. So whoever does not believe in Jesus will die in his sins. जो भी यीशु पे ईमान नहीं लाता वो अपने गुनाहों में मर जाता है. Death after death or life after death. मौत के बाद मौत या जिंदगी के बाद जिंदगी. Let's look at John 8:23-24. 8 बाब उसकी 23 से 24 आयत. Yes, two verses. John 8:23-24. Okay, I'm going to read it. Yeah, you can go ahead. And he said to them, you are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. Therefore, I said to you that you will die in your sins. If you do not believe that I am he, you will die in your sins. उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं. तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं. इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे. क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं तो अपने गुनाहों में मरोगे. आमीन. आमीन. So once again, Jesus professes to be the one and only option for salvation. यीशु ने नबूवत की कि मैं ही पहला और आखिरी आपका मंसूबा हूं. Correctly said, those who reject him will die in their sins. वो बराहरास्त कह रहे थे कि जो मेरा यकीन नहीं करेगा वो मर जाएगा. Jesus was very clear with his statement. यीशु अपनी बात में बहुत ज्यादा क्लियर थे. Jesus surely wants the world to know and believe that he is the Lord our God. यीशु चाहते थे कि आप लोग यकीन करें कि मैं ही खुदा हूं. And this is the Father's will. और ये खुदा की मर्जी थी. And only if you know Jesus, you can have salvation, which is eternal life. यीशु मसीह के वसीला से ही निजात है जो कि हमेशा की जिंदगी है. आमीन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. Now I'm going to go ahead and quickly give a short message about repentance, and then we're going to. अब मैं आपको तौबा के बारे में एक छोटा सा मैसेज दूंगा. Let's open up John chapter 3. आइए मेरे साथ यूहन्ना 3 बाब का मुताला कीजिए. We're going to read chapter 3, verse 1 till 3. हम यूहन्ना पहला बाब उसकी 1 से 3 आयत तक पढ़ेंगे. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these things that you unless are God with God. Jesus said to him, go ahead. Jesus answered and said to him, most certainly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. फरीसियों में से एक शख्स निकोदिमस नाम यहूदियों का एक सरदार था. उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा,
आए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा के साथ ना हो, खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आमीन, आमीन। Now Jesus spoke about the next level to Master Nicodemus. यीशु ने एक अलग दर्जे के बारे में निकोदेमस से बात की। Even though Master Nicodemus came to him hidingly and acknowledged him as a special teacher from God. और यहां तक के निकोदेमस ने यीशु को एक स्पेशल हस्ती समझा, एक खुदा की तरफ से वसीला समझा। Even though Master Nicodemus was a teacher, a Pharisee, in his own church, in his own company. यहां तक के जो निकोदेमस था, वो फरीसी था और शरा का आलम था। And the first thing Jesus told him, most certainly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless he is born again. जो पहली चीज यीशु ने उसको कहा कि कोई जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। And that worried the soul of Master Nicodemus. जो कि उसकी रूह में चला गया, जो उसके जान में चला गया ये बात। He wondered, how can I be born again when he's old? Can he enter his mom's womb the second time? और उसने इस बात को बड़े अजीब तरीके से लिया और उसने कहा कि ऐ उस्ताद, ये क्यों कर हो सकता है? क्या किसी शख्स को दोबारा पैदा होने के लिए अपनी मां के पेट में दोबारा जाना पड़ेगा? Jesus answered, I say to you, unless one is born again of the water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. यीशु ने जवाब में उससे कहा कि मैं तुझे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। This is for all of us. ये हम सबके लिए है। To be born again. दोबारा नए सिरे से पैदा होना। To repent our sins, माफी मांगना गुनाहों की, and be born again in spirit, और नए सिरे से रूह में पैदा होना। When in baptism, the water baptism to people, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, so John the Baptist said, "Prepare the way for the Lord." यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं आने वाले की राह तैयार करता हूं। He also said, "Indeed, I baptize you with water, but one who is going to come is going to baptize you with Holy Spirit." उसने यहां तक कहा कि मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आने वाला है वो तुझे होली स्पिरिट या पाकरू से बपतिस्मा देगा। Hallelujah, praise the Lord. यीशु की तारीफ हो। And a very special day and a very famous day, which is the Pentecostal day, accomplishes what was already spoken. और इधर पेंटेकोस के दिन वो सारी चीजें, जो सारी प्रोफेसी नबूतें पूरी हुई, जो कि कहा गया, जो कि कही गई थी। So to be born again is to be born again in the Holy Spirit. नए सिरे से पैदा होने का मतलब है कि रूह में नए सिरे से पैदा होना। When we repent, we prepare the way for the Lord. जब हम तौबा करते हैं तो हम एक रास्ते को तैयार करते हैं खुदा के लिए। We open up our hearts to the Lord. हम अपने दिलों को खोलते हैं खुदा के लिए। The Bible says we are all sinners. खुदा का कलाम कहता है कि सब ने गुनाह किया। And sin breaks the fellowship with God. और गुनाह की वसीला से बाप के साथ हमारा रास्ता मुनक़ता हो गया। And the only way of restoration is Jesus Christ. वापसी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। Amen. Amen. Let's pull up Acts 2. आइए रसूलों के एमाल की तरफ, उसका दो बाब की तरफ देखते हैं। Verse 36 to 39. उसकी 39 से 40 आयत को पढ़ते हैं। Just a moment. Hallelujah. Therefore, let all the house of Israel know that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter, the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Then Peter said to him,
repent and let every one of you be baptized in the name of for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Brother, what was the verse? 36 to 38. 36 to 38. Hallelujah. खुदा का कलाम कहता है बस इमाल की किताब उसका दो बाब और उसकी 36 से लेकर 38 आयत तक हालेलुया बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावन भी किया और मसीह भी खुदावन भी कहा और मसीह भी जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों हम क्या करें पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे आमीन 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 सो आफ्टर द होली स्पिरिट केम व्हिच इज द पेंटिकॉस्ट टाइम द पेंटिकॉस्टल डे रूह कुदस के आने के बाद जो कि ईद पेंटिकॉस्ट का दिन था आफ्टर द होली स्पिरिट केम अपॉन many just as the Lord Jesus promised aur jab bilkul us sab ke upar nazil hua jaisa ki yesu masi ne is baat ki nabuwat ki thi peter stood up for a sermon aur patras khada ho gaya and after a thorough preaching aur ek lambe sermon ke baad he told the people god made jesus christ the lord and christ over us all और उसने कहा कि यीशु मसीह को उसने खुदा बनाया है हम सब के लिए He said to them, उसने कहा Repent and be baptized in the name of Jesus Christ. उसने कहा कि सब तौबा करो और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो For the remission of sins. ताकि तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें माफी मिल सके The punishment of sin is death. और गुनाह की मजदूरी मौत है And to cancel the eternal death, we need to remission. जब तक हम जो हमेशा की मौत से बचने के लिए हमें गुनाह से बचना जरूर है. And then you shall receive the gift of Holy Spirit. तब भी आपको रूह कुद्दस इनाम में मिलेगा. Because let's read Acts 2:39. आइए मेरे साथ इमाल दो बाब और उसकी 39 आयत का मुताला करते हैं. For the promise is to you and to your children and to all who are far off, as many as the Lord our God will call. इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब के सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा आमीन 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 So the Lord has a calling and a vocation for his children. खुदा ने हर एक शख्स के लिए मंसूबा बनाया और उसके उसके लिए उसे बुलाया भी And the Lord has a calling for us. खुदा हम सब के लिए हम सबको बुला रहा है This is his promise. ये उसका एक हमारे साथ प्रॉमिस है Again and again, time after time, we hear to receive Jesus Christ. हम बार बार इसी बारे में सुनते हैं कि यीशु मसीह को कबूल कर लें This is something that is already available for us. जो कि हमारे लिए ये एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए हर वक्त मौजूद है We are the one who were delaying it. हम ही लोग उसको जो है उसको रोक रहे हैं रुकावट है उसके रास्ते में Pastor Kamran said, we all have delayed many years. और Pastor Kamran ने जैसे आज प्रोफेसर किया कि हम बहुत सारे अपने वक्त से बहुत पीछे रह गए हैं At the age of 30, I made a commitment with Jesus. 30 साल की उम्र में मैंने यीशु के साथ चलने का वादा किया Deep in my heart, I knew that I didn't know Jesus completely. यहाँ तक कि मैं अपने दिल से जानता था कि मैं यीशु को सही तरीके से जानता नहीं. Until 2014, I was a drunkard. 2014 तक मैं शराबनोशी में मुबतला था. And I used to drink so much that I was famous. मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता था और उसके लिए मैं बहुत मशहूर था. My brother used to pray day and night for me and for all of us. मेरा भाई मेरे लिए और मेरे घराना के लिए सुबह शाम दुआ करता था My brother Evangelist Ron was an influence for me. मेरे भाई की वजह से मैं बहुत मुतासिर हुआ In 2014 my dad had a cardiac arrest. 2014 में मेरे वालिद को दिल का दौरा पड़ा
And the Lord touched me and I made a decision to quit something that I was never going to quit. और उसी वक्त मेरे दिल पे चोट लगी और मैंने कहा कि मैंने खुदा से एक वादा किया और खुदा ने कहा कि जो तू छोड़ सकता है एक चीज छोड़ दे और मैंने खुदा के सामने वो वादा किया. Before leaving for UK, my brother made me meet Pastor Ronnie. इससे पहले मेरा भाई इंग्लैंड जाता, उसने मुझे पास्टर रोनी के साथ मिलाया. I had a very good fellowship with him. मेरे उसके साथ बहुत अच्छी रफाकत हुई. He came to my house often and he started teaching us. वो गाय बगाए मेरे घर में आते थे और मुझे कलाम के बारे में सिखाते थे. In 2016, while my wife was expecting our first baby, 2016 में जब मेरी बीवी मेरे पहले बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, we were somehow convinced by Pastor Honey to reach Seaview for water baptism. किसी तरीके से हमने पास्टर होनी से दरख्वास्त की कि आइए और हमें सीवी के ऊपर जाके, जो कराची में एक समंदर की जगह है, हमें वहां पे बपतिस्मा दीजिए. सॉरी ब्रो, ही कन्विंस्ड अस. और सॉरी, पास्टर रोनी ने इनको किसी तरीके से कन्विंस किया, इनको बताया कलाम से कि आओ और हम बपतिस्मा लो और हम लोग सारे सीवी पे पहुंच गए. I was not really sure what was happening, but I knew this is a blessing because I had a smile on my face and in my heart. मैं नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, लेकिन एक खूबसूरत सी स्माइल मेरे दिल में, खुशी थी. आमीन. आमीन. So that was something about me. I just squeezed in my testimony a little bit as well. ये कुछ बातें हैं जो मैं अपने टेस्टिमनी में आपको बताना चाहता था. 2018, I was really disturbed with the life. 2018 में मेरी जिंदगी बहुत अजीब दौर से गुजर रही थी. I was like, I cannot do this on my own. और मैं कहता था कि मैं अपने आप से ये नहीं कर सकता. And one of the favorite verses was running into my head. और एक बहुत खूबसूरत मशहूर आयत मेरे दिमाग में चल रही थी. Which is Proverbs 3:5-6. जो के इम्साल उसका तीन बाप और उसकी पांच और छह आयत थी. Yeah, let's read it. Hallelujah. So I know it by heart and I'm going to say it. Trust in the Lord with all your heart, with all your understanding. Acknowledge Him in all your ways and He will make your path straight. Proverbs 3, chapter 3, verse 5 and 6. Okay. Imsal uska teen baap aur uski पांच और छह आयत कहती है, सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा. आमीन. आमीन. This is one of my favorite verses and it runs into my head at any point of time. ये मेरी बहुत दिलचस्प आयत है जो मेरी पसंदीदा भी है और हर वक्त मेरे दिमाग में चलती रहती है. So in 2014 I quit drinking. और 2014 में मैंने शराब नोशी को छोड़ दिया. 2016, I took a water baptism. 2016 में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया. And in 2018, the Lord made me do a commitment with Him. और 2018 में खुदा ने मुझे एक वादा लेने को मजबूर किया. One of the verses that runs into my head because of my brother. ये सारी जो आयात हैं मेरे भाई की वजह से मेरे दिमाग के अंदर चलती रहती थी. One of the verses is Jeremiah 29:11. और एक और आयत है जो कि यर्मिया जो 29 और उसकी 11 आयत है. It was running in my head and I was like, the Lord has a good plan for me. So this one said, for I alone know the plans I have for you, plans to prosper you, not to give you disaster. हालेलुया. और खुदा के कलाम में यर्मिया उसकी what was it 29 उसका 29:11 ग्यारह आयत कहती है, हालेलुया, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्याल को जानता हूं, खुदावन फरमाता है, यानी सलामती के ख्याल, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं. आमीन. 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 So because the word was in me, क्योंकि मेरे अंदर खुदा का कलाम था, and that little bit word of God transformed me. और थोड़ा सा खुदा का कलाम मेरे लिए बहुत काम कर दिया. I made a commitment with the Lord. और मैंने खुदा के साथ एक वादा कर लिया.
I'm not going to stop studying the Bible. मैं बाइबल के बारे में ज्यादा और चीजें नहीं करूंगा. I need to know God. मैं खुदा को और ज्यादा जानना चाहता हूं. I have to know God. मुझे खुदा को जानना जरूर है. It's been 30 years that I've been dodging him. और 30 सालों से मैं खुदा को धोखा दे रहा था. There may have been a couple of times when I made a promise that I will go to him, but I did not. मैंने बहुत दफा ऐसा हुआ कि दो तीन दफा ऐसा हुआ कि मैंने खुदा के साथ वादा किया कि मैं खुदा के साथ चलूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. And at the age of 30, I was like, I've used so many years of my life and I still did not fulfill my promise. और 30 साल की उम्र तक मैं ये सोचता रहा और मैंने अपने उन वादों को पूरा नहीं किया. I started to personalize his grace upon me and how I have been blessed in my life. और मैंने उन सारी बातों को याद करना शुरू किया कि कैसा उसकी उसकी जो रहमत है मेरे ऊपर है, और मैंने उसकी सारी बातों को याद करना शुरू किया. There's one song, जान मैंने दी अपनी, खून बहाया मैंने और तूने क्या किया. और एक एक बहुत मशहूर गीत है कि जान मैंने अपनी दी तेरे वास्ते और तूने क्या किया. There are many worship songs that started making sense to me. और बहुत सारे ऐसे जो गीत हैं, मसीही गीत हैं, वो मेरे लिए एक रियलिटी, एक मेरे सामने आके खड़े हो गए. Even one of the songs of Ernest Mull, "Choo Mujhe Choo." और मुझे बहुत सारे गीतों की समझ आना शुरू हुई, और एक बहुत मशहूर गीत है, "Choo Mujhe Choo." ख्यालों को छू, सोचों को छू. Hallelujah. Yes, you already saying this. Yes. Touch my thought and touch my heart. Yes, and I was like, you know, now this is the time and this is the hour. I'm not going to look back. I'm going to go forward and I'm going to find God. इसी वक्त मैंने कहा कि मैं पीछे मुड़के देखना नहीं चाहता, बल्कि मैं आगे जाना चाहता हूं और मैं खुदा को जानूंगा. At that point of time, I did not think of Jesus. और उस वक्त मैंने यीशु मसीह के बारे में नहीं सोचा था. I mean, I did not think of him to find him totally. मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं इसको जानना चाहता हूं, यीशु को जानना चाहता हूं. I just thought I should know God. मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मैं खुदा को जानूं. And then God gave me a thought that I should know Jesus. और खुदा ने मुझे ख्याल दिया कि मुझे यीशु को जानना जरूर है. I started reading Psalms and Gospel altogether. और उसी वक्त मैंने ज़बूर और नए अध्यायों को पढ़ना शुरू कर दिया. And my life started transforming. और वहीं से मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया और मेरी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो गई. आमीन. आमीन. So I'm going to wrap up by just saying something very small now. मैं कुछ ऐसी बात करना चाहता हूं जिससे मैं इस कलाम को मैं खत्म करने की तरफ आऊंगा. One of the major purpose of Jesus. यीशु का आने का सबसे बड़ा मकसद. To come in the world was to spread gospel. दुनिया में आने का मकसद था कि अपनी खुशखबरी को दुनिया में फैलाए. Gospel means good news. Gospel का मतलब होता है खुशखबरी. He instructed all disciples and believers to go forth and spread gospel in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह का अरशाद आदम है सब जितने भी शागिर्द हैं और हम सब के लिए कि जाओ और इस गुड न्यूज को पूरी दुनिया में फैलाओ. That is what you and I are here for. इसी के लिए हम सब मुकर्रर हुए हैं. What is good news? Good news, खुशखबरी क्या है? Good news is that God created us to have fellowship with Him. और खुशखबरी ये है कि हमें खुदा ने इसलिए बनाया ताकि उसकी हमद करें. Although sin has broken that fellowship. सिर्फ गुनाह ने उस सारी हमारी जो खुदा के साथ रابطہ था उसको तोड़ा था. But it can be restored through faith in Jesus. यीशु में ईमान रखने से बहाल हो गया. When Jesus died, he paid the price for our sins. जब यीशु ने सलीब का दुख सहा, मारा गया, गाड़ा गया, उसने हमारे गुनाहों की माफी के लिए अपने आप को दे दिया, तो उसने हमारी कीमत अदा कर दी. By suffering in our place. हमारे जहां पे हमें जिस दुख को सहना था, उसने हमारी जगह उस दुख को सहा. The dead. उसने मौत को शिकस्त दी. And that proves he was who he claimed to be, the Son of God. यही बात उसको खुदा का बेटा बनाती है. आमीन. I mean.
Amen. Hallelujah. May the Lord and the fellowship of the Lord be with you all. खुदावंत की रफाकत आप सबके साथ हो. Amen. 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 Thank you. Thank you. Thank you very much, everyone. Thank you for having me. Hallelujah.